गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल। आज अपन लोग बीकॉम फाइनल ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की शुरुआत करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हिंदी में कहा जाए व्यापार क्रय, इस चैप्टर का हिंदी में अर्थ व्यापार क्रय होगा। पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, इसके पहचान, इसकी अकाउंटिंग समझेंगे। देखिए ये दो शब्द हैं व्यापार क्रय, आपको इन दो शब्दों से पता चल रहा है कि इसमें किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। तो देखते हैं, व्यापार को क्रय करना एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। अब इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक दूसरा कंपनी है डीई। ये कंपनी अपना असेट्स और लायबिलिटी बेचना चाहते हैं। इस काम को बंद करना चाहते हैं। ओके डन। एबीसी लिमिटेड अपना असेट्स एंड लायबिलिटीज सोल्ड आउट करना चाहते हैं। इस असेट्स और लायबिलिटी को खरीदने का इच्छुक है एक कंपनी है डीईएफ लिमिटेड। वो कहते हैं हम आपकी असेट्स और लायबिलिटीज परचेज करना चाहते हैं, सोल्ड कौन करना चाहता है? एबीसी। तो जी डीईएफ इस कंपनी के असेट्स और लायबिलिटी क्या करना चाहते हैं? परचेज। तो डीईएफ ने एबीसी लिमिटेड का असेट्स और लायबिलिटीज परचेज कर लिया। क्या कर लिया? क्रय। किसका व्यापार क्रय कर लिया? एबीसी का। यही इस डेफिनेशन के अनुसार एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बनता है। किसके लिए? डीईएफ ने लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड की असेट्स और लायबिलिटी परचेज कर ली। ये सोल्ड आउट करना चाहते थे, इन्होंने कहा यस हम इसे परचेज करना चाहते हैं। इन्होंने इसकी असेट्स और लायबिलिटी पे किया, इसे कहा गया एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। पहला साल कंप्लीट हुआ कि व्यापार क्रय क्या होता है। जब एक कंपनी या एक पर्सन किसी दूसरी कंपनी या पर्सन की असेट्स परचेजिंग करता है उसे कहते हैं व्यापार क्रय। ये कौन सी असेट्स? उसके बिजनेस की। डन। अब देखिए व्यापार क्रय तो वर्ड समझ आया, परचेजर कौन है? डीईएफ। इसे कहते हैं जो असेट्स और लायबिलिटीज परचेज करे उसे कहते हैं परचेजर कंपनी या परचेजर। बेचने वाला कौन है? एबीसी लिमिटेड। इसे क्या कहा जाएगा? वेंडर कंपनी या वेंडर पर्सन। तो तीन वर्ड बाहर आए। नंबर वन, व्यापार क्रय क्या होता है? जब किसी कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी का असेट्स और लायबिलिटी परचेज किया जाए उसे व्यापार क्रय कहते हैं। जो खरीदे उसे परचेजिंग कंपनी कहते हैं और जो बेचे उसे वेंडर कंपनी कहते हैं। तीन वर्ड आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर की शुरुआत करने पर। व्यापार क्रय का मतलब तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का असेट्स और लायबिलिटी परचेजिंग करे, जो परचेजिंग करे वो परचेजर कंपनी और जो सेल करे उसे वेंडर कंपनी कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ व्यापार क्रय। अब इसकी शुरुआत करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। व्यापार क्रय में कितने पर्सन होंगे? दो। नंबर वन इज परचेजर, नंबर टू इज वेंडर। ये मेन दो वर्ड बाहर आए अभी तक का जो अपन लोगों ने स्टडी किया। अब सिंपल सा वर्ड बताइए, अभी जो उन्होंने एग्जांपल लिया था एबीसी डीईएफ, परचेजर कंपनी एस, वेंडर कंपनी। अपने असेट्स किसने सोल्ड किया था? एबीसी ने अपना असेट्स सोल्ड किया था। किसने परचेज किया था? क्या ये असेट्स फ्री में सोल्ड करेगा या इसके लिए कुछ पैसा इसको रिसीव होगा? यस, इसको पैसा मिलेगा तभी तो ये बेचेगा, और वो पैसा कौन देगा? डीईएफ लिमिटेड।
इस कंपनी के द्वारा व्यापार क्रय के लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो पेमेंट किया जाएगा, उसे कहते हैं पीसी, अकाउंटिंग भाषा में परचेज कंसीडरेशन। एक कंपनी के द्वारा जब कोई परचेजिंग की जाती है तो उसके बदले में जो पेमेंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। डन, चार वर्ड कंप्लीट। नंबर वन इज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। क्या होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का असेट्स और लायबिलिटी परचेजिंग करे, उसे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। जो परचेजिंग करेगा उसे परचेजिंग कंपनी कहा जाएगा, जो सेल करेगा उसे वेंडर कहा जाएगा। क्या ये वेंडर अपनी असेट्स और लायबिलिटी फ्री में सॉल्ट आउट करेगा? तो जी नहीं, इसके लिए इसे पेमेंट रिसीव होगा। अकाउंटिंग भाषा में पेमेंट रिसीव को क्या कहा जाता है, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। एक टिपिकल लैंग्वेज अकाउंटिंग में आप पेमेंट रिसीविंग वर्ड नहीं बोल पाएंगे, क्या वर्ड बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन। कितने वर्ड बाहर आए, नंबर वन इज परचेजर, नंबर टू इज वेंडर, नंबर थर्ड इज परचेज कंसीडरेशन। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस जो अपन ने चैप्टर शुरू किया उसमें सबसे पहले आपको चैप्टर का जो नाम है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस व्यापार क्रय, व्यापार को क्रय करना ही एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। इसमें कितने पर्सन होंगे, दो, नंबर वन इज परचेजर, नंबर टू इज वेंडर। वेंडर को जो अपनी असेट्स सोल्ड आउट के लिए जो पेमेंट मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, परचेज कंसीडरेशन। ये समझ आया? डन, एक एग्जांपल से बताना परचेज कंसीडरेशन कितना होगा, कौन सी कंपनी। एक कंपनी था एबीसी, एक कंपनी था जेड वाई। एबीसी कंपनी अपना असेट्स सॉर्ट आउट करना चाहते थे, कौन सी कंपनी, एबीसी, असेट्स सॉर्ट करना चाहते। परचेज कौन करना चाहते थे, ऑब्वियसली ये सॉर्ट करना चाहते हैं तो परचेज करना चाहते हैं जेड वाई। इसी पर परचेजिंग कंपनी एबीसी लिमिटेड का सारा असेट्स जेड वाई ने कितने में परचेजिंग कर लिया, यानी कितनी पेमेंट के लिए राजी हुए, ये 10 लाख की पेमेंट। तो पीसी यानी परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट क्या होगा, डेफिनेशन था कि जो भी सेलर है उसे अपनी असेट्स बेचने के लिए जो पेमेंट रिसीव होगा उसे परचेज कंसीडरेशन कहा जाएगा। ये 10 लाख का अमाउंट क्या होगा, परचेज कंसीडरेशन। तो आज उन्होंने तीन वर्ड्स कंप्लीट किया, नंबर वन इज परचेजर, नंबर टू इज वेंडर, नंबर थर्ड इज परचेज कंसीडरेशन। कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।